प्रिय भाई एवं बहनों, आप सबको विदित है कि 28 नवंबर 2021 को आगमन का प्रथम रविवार है। इस वर्ष संयोग से कमनियों रविवार भी इसी दिन को हो रहा है। इस दिन भारत के संपूर्ण लातिन कलीसिया के विश्वासी भाई बहन मिलजुल कर भारत देश में कलीसिया के विस्तार के लिए प्रार्थना करते हैं। एवं अत्यंत पिछड़े और गरीब क्षेत्रों में गिरजाघर, विद्यालय, दवाखाना आदि के निर्माण हेतु उदारता पूर्वक सहयोग राशि देते हैं। जमा की गई राशि से गरीबों, अनाथों और प्राकृतिक विपदा से बुरी तरह प्रभावित लोगों को भी सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह हम एक दूसरे की सहायता करते हुए ईश्वरीय मुक्ति योजना को दूसरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस अवसर पर मैं यह भी आपसे साझा करना चाहूँगा कि आप सबकी उदारता के लिए, जिसे आपने सन 2019-20 में दिखाया है, भारत के लतीनी कलीसिया के धर्म सभा के अध्यक्ष, गोवा के महाधर्माध्यक्ष फिलिप नेरी ने जसपुर धर्मांत के प्रत्येक विश्वासी भाई बहन को धन्यवाद दिया है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यहाँ के विश्वासी भाई बहनों की उदारता बनी रहे और उनका मिशनरी सोच बना रहे। कमनियो इंडिया हमें निमंत्रण देती है कि हम सब दया के कामों द्वारा अपनी पहचान बनाए रखें और मिशन काम हमारी प्राथमिकता हो। कमनियो इंडिया हमें निमंत्रण देती है कि हम सब दिन प्रतिदिन के जीवन में दूसरों की आवश्यकता को पहचान सके और उनको अपनी सेवा दे सकें। कमनियो इंडिया हमें निमंत्रण देती है कि हम सब आवश्यकता में पड़े लोगों के साथ संवाद स्थापित कर सके और सद्भावना का माहौल बना सके। हम मिशन के काम में लगे लोगों के लिए प्रार्थना करें और ऐसा करते हुए पुरोहितीय और धर्म संघीय जीवन के लिए युवक युवतियों को प्रेरित कर सकें। संत पिता फ्रांसिस की मनसा के अनुसार मिशन क्षेत्र में स्वयं सेवक के रूप में काम करने के लिए हम अपने लोक धर्मियों को तैयार कर सकें। कमनियों के माध्यम से हम साथ में यात्रा करें, साथ में काम करें और साथ में प्रार्थना करें। हम सभी धर्म प्रचारकों, पुरोहितों और धर्म संघ जीवन जीने वालों को उनके प्रशिक्षण काल में अपना आर्थिक सहयोग दें। हम सब आपसी सहयोग और प्रेम में लगातार बढ़ते जाएं। अंत में आगामी कमनियों रविवार के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि मिशन के विस्तार के लिए मिलजुल कर काम करें। जहाँ संभव है अधिक से अधिक लोगों को कमनियों रविवार की आवश्यकता और महत्व के बारे बताएं और मिशन के विस्तार के लिए लोगों को और अधिक उदार बनने के लिए आह्वान करें। ईश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें। जय सुर सबों को धन्यवाद।